नगर परिषद में सभापति के कार्यकाल को एक वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने गुरुवार को विरोध दिवस मनाया। इस मौके पर उन्होंने परिषद भवन के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया। भाजपा पार्षदों का कहना था कि सभापति बीना गुप्ता के एक वर्ष के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हो पाए। गुप्ता ने 26 नवंबर 2019 को अपना पदभार ग्रहण किया था। भाजपा पार्षदों का कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी ने नगर परिषद में बोर्ड बनाकर गुप्ता को सभापति बनाया। इसका खामियाजा पूरा शहर भुगत रहा है। रोशनी और सफाई व्यवस्था बेहाल है। एक वर्ष में किसी भी वार्ड में विकास कार्य नहीं हो पाए। अवैध निर्माण लगातार चल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध निर्माणों को रोकने की बजाय नगर परिषद प्रशासन अवैध वसूली कर निर्माण करा रहा है। आए दिन नगर परिषद में भ्रष्टाचार का खुलासा होता है। परिषद में कर्मचारियों से मारपीट की घटना और आयुक्तों के विवाद की घटनाएं लगातार सामने आई हैं। कांग्रेस की आपसी लड़ाई में शहर का विकास ठप पड़ा है, इसलिए 26 नवंबर को विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। सभापति की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। विरोध दिवस मनाने व सद्बुद्धि यज्ञ करने वाले पार्षदों में धीरज जैन, सुनीता खामरा, जितेंद्र सैनी, अंगूरी यादव, शीला जांगिड, शालिनी शर्मा, पूजा अरोड़ा, देवेंद्र रसगनिया, रमाकांत यादव, घनश्याम सैनी, हेतराम यादव, अविनाश खंडेलवाल, अंजू गुप्ता, कैलाश सैनी, कैलाश कोहली व संध्या मीना आदि शामिल रहे। नालों की सफाई होती है, जगह जगह फेरों का टूटे हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि शहर का विकास हो। शहर का विकास नहीं होने के संदर्भ में ये यज्ञ रखा है। भगवान कमिश्नर साहब को, सभापति को सद्बुद्धि दे ताकि शहर का विकास हो, शहर की समस्या का समाधान हो। जगह जगह नाले भरे हुए हैं, जगह जगह फेरों का टूटे हुए हैं। सुखना पाए कि धर्मशाला के जस्ट बगल में बड़े बड़े व्हीकल जाते हैं, वो टूटा हुआ है। करीब 2 महीने होगा, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। शहर का विकास होना चाहिए, जनता त्रस्त है, कमिश्नर और सभापति मस्त है, कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा है यहाँ पर। इसलिए भगवान से प्रार्थना के लिए भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं।